नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता, और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल शासन की ओर से बीच सत्र में कक्षा पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर करने के आदेश जारी होने के बाद से ही प्राइवेट स्कूल संचालक इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल संचालकों के विरोध के बाद अब बच्चों के साथ अभिभावक भी इस निर्णय से खफा हो गए हैं। एसोसिएशन के साथ प्रदेश के सभी अशासकीय स्कूल संगठनों ने एकमत होकर सरकार से गुहार लगाई है कि इस साल पांचवी और आठवीं की परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर आयोजित नहीं की जाएं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीत सिंह ने कहा कि जो नई शिक्षा नीति जारी हुई है उसमें पांचवी और आठवीं बोर्ड परीक्षा का उल्लेख नहीं है, बावजूद सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जबकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी बच्चों के हितों में अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर इस साल पांचवी और आठवीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं करवाने का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं होता है तो सभी स्कूल संचालक 15 मार्च को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आज मध्य प्रदेश के सभी संगठन एकत्रित हुए हैं, उसमें सबसे अहम बात जो है कि मध्य प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले पांचवी आठवीं के बच्चे, हम अशासकीय विद्यालय संचालक हैं, बच्चे और अभिभावक से हमारा सीधा संबंध है। आनन फानन में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बोर्ड परीक्षा कर दी गई है और उसकी कोई तैयारी नहीं है। उस बोर्ड परीक्षा के लिए कोर्स का निर्धारण भी अभी कुछ दिन पहले हुआ है, बच्चे तैयार नहीं हैं। कोरोना के कारण बच्चे पूरी तरह से पढ़ाई से कट गए थे 2 साल, और अभिभावक स्कूलों पर दबाव बना रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, अगर बोर्ड परीक्षा करानी ही है तो अगले सत्र में कराई जाए। अभी इसको लेकर के मध्य प्रदेश के सभी जितने भी संगठन हैं सब लोगों ने कोर्ट का भी रास्ता अपनाया, उस कोर्ट के रास्ते में कहीं राहत भी मिली है, हमें कोर्ट भी संज्ञान में लिया है। हम लोगों ने यह तय कर लिया है कि अगर हम लोग 13 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में हम लोग अपने अपने विधायक को ज्ञापन दे रहे हैं, और 15 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी संचालक पूरे दलबल के साथ भोपाल आएंगे और सीएम का, माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। हम घेराव के माध्यम से उनको ये बताएंगे कि हमारे बच्चे जो पांचवी आठवीं के बच्चे हैं वो देश के भविष्य हैं, उनके साथ कुठारघात न किया जाए। अभी जो इनकी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से फेल हैं, 15 किलोमीटर दूर सेंटर बनाया जा रहा है, तो कोई तैयारी नहीं है। हम लोग जब 15 मार्च को यहाँ इकट्ठे होंगे तो 15 एक दिन के लिए हम लोग नहीं इकट्ठे होंगे, हम लोग जब यहाँ इकट्ठे होंगे तो उन बच्चों को राहत दिला के यहाँ से जाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।